दोस्तों आपको वेलकम करता हूं मैं अपने YouTube चैनल शाजी ग्लोबल पे। आई होप कि आपने मेरे मार्मरस के बोट टूर का पार्ट वन देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप पार्ट वन देख सकते हैं, क्योंकि ये आज हमारा पार्ट टू है जो कि पार्ट वन की कंटिन्यूटी है। पार्ट वन में मैंने आपको दिखाया था कि कहां से हमने अपने बोट टूर को स्टार्ट किया था, कहां कहां हम रुके थे और क्या क्या हमने एंजॉय किया था। आज पार्ट टू में आपको दिखाऊंगा कि उसके बाद हम कहां गए, कहां कहां हमने स्टॉप किया और क्या क्या हमारी एक्टिविटीज थी। बहुत एंजॉय किया हमने, आई होप कि भी एंजॉय करेंगे, तो एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। तो करते हैं आज के इस व्लॉग को स्टार्ट। अच्छा, इस बोट पे या शिप पे ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि यहाँ पर आप मुख्तलिफ जगहों पे जो शिप की मैनेजमेंट है वो आपके फ़ोटोज़ बनाती है और फ़ोटो प्रिंट करके आप ख़रीद भी सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मेरे सामने यहाँ कोई बंदा आया था और उसके हाथ में बहुत बड़ा एक पैरट पकड़ा हुआ था और वो सब लोगों के साथ उस पैरट की तस्वीरें बना रहा था और बाद में लोगों ने पे किया और वो पैरट की तस्वीरें जो हैं वो उन्होंने ख़रीद ली। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का फ़ोटो बूथ के क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आ जाएँ। यहाँ पर अब बीच पर जाकर भी जहाँ जहाज स्टे करता है, जो शिप है स्टे करता है, वहाँ पर भी आप ये फ़ोटोज़ ले सकते हैं। ये लोग ये फैसिलिटी देते हैं। Hi. How are you? Fine, you? I'm fine. Good. I'm good. We love you. Thank you. So, what services do you offer here? Photo service. Photo service. Photo. Touristic like? memory photo. So you print the photos? Yes. You print it here? Yes. And then people can buy it? Yes. Okay. If they want to buy. Okay. How much is for the photo? Just one picture, 300, single picture. 300 Turkish lira. Turkish lira, single picture. All right, okay, yeah. Great. If I want, I give you free. He is a kind-hearted person, very yeah. kind person. Thank you. Thanks. You too. Thanks. So, यहाँ पर ये parrot है, जिसके साथ तस्वीरें बना सकते हैं। और he's photographer. He's photographer. Is she a female? Yes. All right. So cute. Yeah, it's just so nice. Oh. Can she talk? Sometimes she talks. Many bad words. Bad words, okay. You taught him only the bad words. Yes. Hello. She has some nice colors. Look at the colors she has. So many colors. Wow, beautiful. And ye inka system hai jahan par ke ye tasveerein nikalte hain. Photo frame? Triple photo frame like this. That's a photo frame. Okay. Yes. Dalyan, Turtle Beach, turtles, barkas boat, and everything. All right. And inside you take the. Yes. Okay. Picture inside. Okay. Right. So it can have three pictures inside. Yes, three picture. Okay. Turtle, Dalyan, Turtle Beach. Hello. How are you? Fine. You work here? Yeah. Yeah. Okay. And what's your name? Jan. Jan? Yeah. Oh, that's a good name. Yeah. Do you know the meaning of it? Yeah. What is it? It's mean health. Health? Yeah. Yeah. That's very, you know, same in Urdu language in Pakistan. Pakistan? Yeah, Jan means Jan, health. Yeah. Jan, I'll bring between Jabana Jan. I don't know. Oh, are you from Turkey? Yeah. Yeah, all right, right. And what's your full name? Jan, what? What? Jan, and what's your surname? Jan Barish. Jan Barish. Yeah. Oh, right. Barish means peace. Peace. Yeah. Oh. तो ये यहाँ काम करते हैं और इनका नाम है जान, और जान का मतलब है हेल्थ। जो हमारे यहाँ उर्दू में भी यू नो कहते हैं ना, जान बनाई है, हेल्थ बनाई है, तो ये टर्किश और उर्दू की बड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। थैंक यू जान। थैंक यू। Thank you.
हमारी शिप चल रही है अपनी मंजिल की तरफ, रवान दवा है, बहुत मज़ा आ रहा है इस वक्त और आपके साथ भी मैं शेयर कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको भी मज़ा आ रहा होगा। ये वो जगह है जहाँ टॉयलेट्स हैं, एक तरफ मेंस की हैं और एक तरफ लेडीज़ की हैं, तो ये वाली जो है ये मेंस की टॉयलेट्स हैं। खाने का इस वक्त अनाउंसमेंट हो रही है, काफ़ी रश है। नीचे आया हूँ मैं और डाइनिंग एरिया में, और यहाँ पर लंच हम ले सकते हैं। जब टिकट बुक करते हैं तो टिकट के अंदर आपकी फ्री जो है, मतलब एक जो लंच इंक्लूडेड होता है। तो मैं नीचे आया हूँ डाइनिंग एरिया में ताकि यहाँ जाके देख लूँ कि लंच का क्या ऑप्शन अवेलेबल है। आपको भी मैं शेयर करता हूँ कि आज हम लंच में क्या लेते हैं। यहाँ पर आप फूड और ड्रिंक्स भी ख़रीद सकते हैं, ये प्रिपेयर हो रहे हैं। हमारा फूड आ चुका है, फूड लग चुका है और सब जितने भी शिप पे लोग हैं सबको फूड दिया गया है। और ये जगह है जहाँ पर कि हम इस वक्त फूड खा रहे हैं। आप इमेजिन करें शिप में बैठे हुए हैं और शिप चल रहा है, पीछे समंदर बिल्कुल नीला समंदर नज़र आ रहा है और हम खाना खा रहे हैं। क्या ज़बरदस्त जगह है यार, क्या ज़बरदस्त सीन है। ये हमारा फूड है जिसमें कि ये एक पीस है, आई थिंक इज ए फिश चिकन। ओके, ये चिकन का पीस है, साथ में ये पास्ता है, सैलड है और ये ब्रेड है। तो बड़े मज़े का लग रहा है देखने में, चेक करते हैं कैसा है। तो फूड के साथ ही ये कटलरीज भी प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें कि एक नाइफ है और एक फोक है। तो हम ट्राई करते हैं फूड को। अच्छा जायका अच्छा इसका। जायका अच्छा इसका और चिकन जो है काफ़ी फ्लेवरफुल है, बहुत नाइस टेंडर हुआ है और इसकी जो कोटिंग है वो भी एक अच्छे इनो मटेरियल से की गई है, जिसकी वजह से इसका जायका काफ़ी अच्छा आ रहा है। साथ में ये जो पास्ताज हैं, पास्ताज नॉर्मल है, कोई ना वो ख़ास कोई हाई फाई जायका नहीं है, लेकिन बस नॉर्मल जो पास्ताज होते हैं वैसा ही है। और साथ में ये जस्ट सैलड है, सैलड तो यू नो सैलड है, हेल्दी है।
तो चलें, मैं अपना खाना खाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ अपने किसी नेक्स्ट स्टॉप पे। फाइनली हम पहुंच गए हैं टर्टल बीच पे। ये जो मेरी बैक पे आपको बोट्स नज़र आ रही हैं, तो इन बोट्स में अब हम बैठेंगे। ये जो बड़ी बोट है जिसमें इस वक्त मैं हूँ, जिसमें हम यहाँ तक आए हैं, इस बोट से हम उतरेंगे और ये जो पीछे छोटी बोट्स हैं इसमें बैठेंगे और वो सामने उस तरफ टर्टल बीच है उस तरफ हम जाएंगे, जहाँ के टर्टल्स देख सकते हैं और दूसरे जो यू नो एनिमल्स हैं, सी एनिमल्स हैं, वो देख सकते हैं। तो ये बोट्स हैं जिसके अंदर हम बैठेंगे। ये जहाज़ को डॉक पे लगा रहे हैं और ये सामने बोट्स रेडी हैं। ये एक छोटी बोट और आ रही है इस तरफ से। ये सामने आपको एक छोटा सा आइलैंड नज़र आ रहा है, जजीरा। अच्छा, टर्टल बीच जो है वो सामने आपको अगर नज़र आ रहा हो, ये सारा जो बीच है ना, ये इनका बोला है कि ये टर्टल बीच है। बहुत ही नाइस लग रहा है यहाँ देखने से ही। छोटा सा एक यू नो समझ लें बीच है, आइलैंड है, सॉरी छोटा सा आइलैंड है समंदर के बीच में और यहाँ पर हमने जाना है। तो चलें, तो अब हम मैं रेडी होता हूँ, चलता हूँ नीचे, क्योंकि सब लोग नीचे जा चुके हैं, जाके वो इन बोट्स में बैठेंगे और मैं भी चल के इन बोट्स में बैठता हूँ। यहाँ आप वाटर का कलर चेक करें, इतना क्लीन वाटर है कि नीचे सरफेस नज़र आ रही है, इतना क्लीन वाटर है ये। के लिए हम लाइन में लगे हुए हैं, सामने बोट्स हैं, लोग बोट्स में बैठ रहे हैं। गाइस, हम अपनी नेक्स्ट बोट में बैठ गए हैं, अब हम जा रहे हैं टर्टल बीच की तरफ। और टर्टल बीच यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है,
करीब ही है, लेकिन यह है कि आई डोंट नो शिप क्यों नहीं जाते। मेरे ख्याल में वहाँ पर सी का लेवल जो है वो शैलो है, छोटा है, तो वहाँ तक शिप जो बड़ी बोट्स है वो नहीं जा सकती, तो फिर इन छोटी बोट्स में लेके जाया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे सामने नज़र आ भी रहा है, बस फाइनली हम पहुंच गए हैं इस खूबसूरत बीच पे जिसको कहते हैं टर्टल बीच। बहुत ही ज़बरदस्त, आप देखें ज़रा इसके पानी का कलर चेक करें, लोग यहाँ नहा रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है यार, बहुत ही क्लीन वाटर है। और यहाँ से मुझे ना पानी के नीचे जो सरफेस है वो भी नज़र आ रही है, पानी के नीचे जो सतह है वो भी नज़र आ रही है। बहुत ही क्लीन, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है, और यहाँ पर हम रुकेंगे एक घंटा, और अब आगे जो हमारा ट्रैवल है वो इसी बोट पे होगा, इसी छोटी बोट पे। बहुत ज़बरदस्त, बड़ा खूबसूरत व्यू है। तो ये हम आ गए हैं, आप ज़रा मेरा बैकग्राउंड में व्यूज़ चेक करें, इतने ज़बरदस्त खूबसूरत व्यूज़ हैं यहाँ के। असल मज़ा तब आएगा जो यहाँ आते हैं ना लाइव, तब असल मज़ा आता है। हो सकता है कि आपको स्क्रीन पे देख के वो वाला मज़ा ना आ रहा हो जो कि इस वक्त यहाँ पर एक्चुअल में आके आएगा। वाओ, तो टर्टल बीच पे हम उतर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं टर्टल बीच में स्विमिंग करने। बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत बीच है और इसका पानी इतना क्लीन है कि आप यकीन करें कि आप समुंदर के अंदर तक नीचे तक देख सकते हैं। और यहाँ फैसिलिटीज़ भी हैं, यहाँ पर ये हट्स वगैरह बने हैं, मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहे होंगे, जहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, बैठ सकते हैं और इस तरफ आप शॉवर ले सकते हैं। यार ज़मीन इतनी सख्त गर्म है, मैं गलती की है, मैं शूज़ उतार के आ गया और अब मैं बेयर फीट चल रहा हूँ और इतनी सख्त गर्म ये सैंड है कि पाँव मेरे जल रहे हैं। तो राइट, हाउ आर यू? यू ओके? आई एम गुड, थैंक्स। हेलो यूट्यूब, यस शाहजी, या ये एक हट की तरह की चीज़ है। यहाँ आ चुका हूँ मैं और यहाँ बैठ के थोड़ी देर आराम करते हैं क्योंकि बहुत सख्त गर्मी है यहाँ पर, और इस गर्मी में बाहर घूमना ख़ास तौर पर। यार मैंने गलती ये की है कि मैं ना शूज़ उतार आया हूँ बोट में ही, और अब मेरे पाँव जल रहे हैं, मुझसे बाहर निकले ही नहीं जा रहा। तो बहरहाल हम इस हट में हैं,
रश बहुत ज़्यादा है, हर तरफ लोग ही लोग हैं, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर हॉलीडेज़ के लिए। हालांकि ये काफ़ी दूर एरिया है, मार्मरस आओ, यू नो, पहले यूके से आप फ्लाइट लो डालामान की, डालामान से फिर आप बाय रोड जाओ मार्मरस, और मार्मरस से फिर बाय बोट आओ यहाँ पर। तो इतना आसान नहीं है यहाँ तक पहुँचना, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, और ज़्यादातर जो टूरिस्ट हैं यहाँ पर वो या तो यूके से हैं या फिर यूरोप से हैं। तो बहुत ज़्यादा रश है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं चलता हूँ जाके एक डुबकी लगाता हूँ समंदर में, ठंडे पानी में, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। तो गाइस, स्विमिंग मैंने कर ली है, और यकीन करें ऐसे मज़े का ये सी है कि पानी के अंदर जाके ना मज़ा आ जाता है। मैंने बहुत सारे बीचेस विज़िट किए हैं, स्विमिंग की है, लेकिन इस बीच में जो मज़ा आया है ना, वो कहीं और मुझे नहीं आया। बहुत मज़े का टेम्परेचर है पानी का, पानी का कलर बहुत साफ़ है, पानी खुद बहुत साफ़ है, और ये एटमोसफियर बहुत मज़े का है। यकीन करें यहाँ जो मज़ा आया है ना, 10 out of 10, बहुत ज़बरदस्त। तो गाइज़, ये था हमारा बोट टूर का पार्ट टू। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में, यानी पार्ट थ्री में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और पार्ट थ्री को ज़रूर देखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।